उत्तराखंड में लगातार हादसों का सिलसिला सामने का आया है। सड़क से जान जाने वाले लोगों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कड़ी में एक और दुखद खबर सामने आई है पिथौरागढ़ से, जहां एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक की मौत और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन सवार देर रात गोलीहाट से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को दुर्घटनाग्रस्त वाहन से निकालकर प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जानकारी के अनुसार देर रात गंगोलीहाट से बारात लौटते समय एक जीप वाहन त्रिपुरा देवी के पास अचानक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे में वाहन चालक चिराग बाफिला की मौके पर ही मौत हो गई और वाहन में सवार सानीखेत निवासी पुष्कर कुमार और बड़ेत निवासी राजेंद्र राम गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद घायलों को 108 की सहायता से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने चिराग को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दो लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। साथ ही मृतक के घर में दुखद खबर सुनकर कोहराम मचा हुआ है। वहीं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि दुखद हादसे के दौरान वाहन में कितने लोग सवार थे।